डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। मुझे कई दिनों से यह कमेंट मिल रहा है कि सर आप मैथ का वीडियो दीजिए। तो एक्चुअली मेरे पास मैथ का वीडियो बनाने के लिए जुगाड़ नहीं था, लेकिन अब मैं किसी तरह से जुगाड़ बना लिया हूँ और अब आप लोगों को मैथ का वीडियो जो आप मांगेंगे उसका मैथ का वीडियो आप लोगों को मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1 है और हम लोग इसको शुरू से बनाना आरम्भ करेंगे। और शुरू में जो आप लोगों को ईजी क्वेश्चन मिलेगा इसीलिए जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, इसको जो है अंक में डिजिट में लिखने के लिए कहा गया है 12,005। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, लेकिन 12,000 बोल रहा है इसीलिए इसमें एक और लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं और यहाँ पे 5 करते हैं। अगर इसको लिखने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं कि 12,000 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 12,000 पहले लिख लेते हैं, ये 1200 हो गया, ये 1000 हो गया 5, और इधर से हम लोग इसको बराबर करते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिए, इसको प्लस कर दिए तो ये कितना आ गया, ये 5 हो गया 0021, और इस तरह से ये 12,005 मिल गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बी नंबर का, तो ये हो गया 15,915। अगर कोई भी परेशानी होती है तो 15,915 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15,915, 9, 15, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर इस ट्रिक्स को हम लोग अपनाएंगे, तो हम लोग पहले 15,000 लिखते हैं, 15,000 ये हो गया, 915 तो 900 लिख सकते हैं, 900 और 15 इसके नीचे 15, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इधर से ही बराबर किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं इसको 15,915 ये मिल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है सी नंबर का, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 10,000, तो 10,012, इसमें भी 5 डिजिट का होगा, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,012 हो गया। अगर प्रॉब्लम होता है तो इस ट्रिक्स को फिर से अपनाते हैं, 10,000 लिख लिए और 12, तो 12 इसके बराबर यहाँ से लिखेंगे और इसको प्लस कर देंगे तो 2, 1, 0, 0, 1, 10,012 ये हो गया। और नेक्स्ट डी नंबर में देखते हैं, डी हमारे पास है 5,02,580, तो यहाँ पे हम लोग 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक में 5 डिजिट मिल रहा है, यहाँ पे लाख जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 6 डिजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा 5,00,000 हो गया 2000, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2,500, 580, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट का हो गया। हम इसको अपनाते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि कभी गलती होने की संभावना नहीं होगा। आप ये लीजिए 5,00,000, 10,000, 100,000, 10,000, 1,00,000 और 2000 4 डिजिट में आएगा, तो यहाँ से होगा 2,500, तो 500 और 80, ये हो गया 80, तो यहाँ इसको प्लस करते हैं 085205 मिल गया, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बतला रहा है राइट द नंबर्स इन फिगर्स विच हैव, तो इसमें भी फिगर्स मतलब अंक में लिखना है, नंबर में लिखना है। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बतला रहा है, जहाँ कि सिंपल लैंग्वेज में बतला रहा था कि 5,02,580, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बतला रहा है और यहाँ बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है 7,002,100। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस ट्रिक्स को अपनाते हैं 7,000, तो हम लोग 7,000 लिख लेते हैं, 100,000, 2,000, तो ये 7,000 और 2,000, इसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं 2,000, मतलब ये हो गया 2 और 10, 10 मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 10 कर देते हैं, उसके बाद 100 फिर प्लस करते हैं और 100 कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 7,000, ये 7,000 हो गया प्लस 2,000, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2,000 मतलब 20 और ये 100 का
100 हो गया। अब इसको करते हैं प्लस, 0, 2 हो गया, 1 और ये 7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 7120, ये आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर बी में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना लंबा दिया हुआ है बच्चे लोग देखेंगे तो इसको डर जाएंगे, तो इसको आसानी से बनाना है। ये क्या करते हैं, 6000 लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले 6000 लिखते हैं, ये हो गया 6000, फिर इसको प्लस करते हैं और 5 10000, तो 5 × 10000, तो 10000 देते हैं, 100000 10000, उसके बाद प्लस करते हैं, फिर यहाँ 2 1s, तो 2 1s का मतलब है 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आता है, इसलिए 2 लिखते हैं, प्लस उसके बाद 9 10s, तो 9 × 10, फिर 9 × 10, ये हो गया, उसके बाद 1 lakh, तो प्लस 1 lakh, इसको लिखते हैं 100 10 100000 10000 lakh। अब इसको क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और फिर ये, और ये हो गया, और फिर इसको, तो हम लोग लिखते हैं, इसको सजा के लिखते हैं, 6000 हो गया, फिर ये 5 10000, इसका मतलब है कि 50000 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 5 और 40 हो जाएगा, 40, ये 2 हो गया, और ये 9 10, तो 90 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 lakh, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 6 digit, तो यहाँ पे 5 digit है, तो मतलब इससे भी एक आगे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, ये कर दिया, और इसको प्लस कर देते हैं, ये 2 हो गया सीधा, और ये 9 हो गया, फिर यहाँ पे 0, और ये 6 5, और ये 1, बस यही आंसर होगा इसका, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सी नंबर में देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9 10000 3 1s और 9 100s, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ से एक ये हो गया, 3 1s ये हो गया, और 9 100s, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 × 10000s, तो 10000 दे देते हैं, 100000 10000, और फिर प्लस 3 1s मतलब 3 1s, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, फिर प्लस और 900s, तो 100 हो गया, 900। इस तरह से बनाने से क्या होगा कि आपको गलती होने की संभावना नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 10000 मतलब 90000 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो 9 पे 40 लगा देते हैं, 2 3 4, ये हो गया, उसके बाद 3 लिखते हैं, फिर 900, तो सीधा इसका 900, फिर करते हैं प्लस 309 और 09, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट इन हिंदू अरेबिक नंबरल्स, यहाँ पे रोमन नंबर दिया हुआ है, और इसको हम लोग जो नॉर्मल डिजिट में हम लोग जो लिखते हैं, तो नॉर्मल नंबर में जो लिखते हैं उसमें लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20 हो गया, और ये हो गया 4, तो 20 और 4 24 हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 24, ये हो गया। और बी नंबर में हम लोग को दिया हुआ है, बी नंबर में XXXIX, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, X का मतलब 10 10 10 और 10, 30 हो गया, और फिर IX का मतलब 9, इसका मतलब है कि 39 39। और सी नंबर में यहाँ पे सी हो गया XVXVIII, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो गया, और 3 18, इसका 18 आंसर हो जाएगा। और सी डी, डी में क्या दिया हुआ है, XXXVIII, रोमन नंबर, आप अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं 4th class में तो पढ़ाया क्या होगा, नहीं पढ़े हैं तो इसमें और आगे चैप्टर में मिलेगा। तो ये जो है 10 10 3 बार हुआ तो 30 हो गया, 30 और ये 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, तो 36, ये 36, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digit यूजिंग 3 0 एंड 5,
ये तीन नंबर को यूज करके और सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सिक्स डिजिट का बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को अब फाइव, सबसे बड़ा फाइव है तो यहाँ पे ये दो आ जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा और ये सेकेंड लास्ट में आ जाएगा। इसका मतलब है कि फाइव हमको चार ठो लेना होगा। ये हो गया चार और ये हो गया थ्री और जीरो, ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर सिक्स डिजिट का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स यूजिंग सेवन टू जीरो एंड नाइन। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिया गया था, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है और फाइव डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक दो तीन चार, चार नंबर पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जीरो है, जीरो को पहले नहीं लिया जाएगा। अगर जीरो पहले लेते हैं तो फाइव डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो इसीलिए सबसे पहले छोटा जो है उसको लेते हैं, टू ले लेते हैं, टू हो गया। उसके बाद फिर जीरो ले लेते हैं, जीरो, और इसको अगर देते हैं सेवन और नाइन तो मेरे पास मिलेगा हमको क्या, फोर डिजिट का नंबर मिलेगा। तो इसके लिए टू एक बार, टू अगर हम लगाते हैं तो उससे भी हम छोटा लगा सकते हैं, जीरो लगाएंगे तो जीरो को हम डबल कर देते हैं, जो छोटा है सबसे छोटा उसको डबल कर देते हैं, और फिर ये हो गया आपका सेवन नाइन, सभी यही नंबर है टू जीरो सेवन नाइन। तो ये फाइव डिजिट का, फाइव डिजिट का ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स यूजिंग थ्री डिफरेंट डिजिट्स, मतलब तीन अलग अलग नंबर को उपयोग करके और फाइव डिजिट का, पांच डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, तो हम लोग तीन डिफरेंट नंबर यूज करेंगे, तो जो सबसे छोटा है उसको यूज करेंगे। तो सबसे छोटा में क्या आएगा, जीरो से शुरू करते हैं, जीरो हो गया आपका और वन हो गया और टू हो गया, ये तीन डिफरेंट डिजिट है और सबसे छोटा बनाने के लिए हम लोग छोटा नंबर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फाइव डिजिट का बनाना है, तो ये वन हो गया, उसके बाद जीरो जीरो तीन एक चार हो गया, और इसको ले लेते हैं टू, तो ये फाइव डिजिट का नंबर बन गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि नीचे से ऊपर, कम से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको कौन सा कम है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको गिन लेते हैं कि ये पाँच है, इसमें फाइव डिजिट नंबर है, ये फाइव और ये भी फाइव डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिक्स डिजिट नंबर है और यहाँ भी सिक्स डिजिट नंबर है। इसका मतलब सबसे पहले ये दोनों पीछे चला जाएगा, मतलब लास्ट में होगा, तो ये तीन है, तो ये तीनों में से कौन सबसे छोटा होगा, ये थर्टी फाइव टू नाइन्टी, थर्टी फाइव जीरो नाइन्टी टू और ये थर्टी फाइव ट्वेंटी नाइन, मतलब ये वन नंबर में आ जाएगा। सबसे छोटा ये है और ये नाइन्टी टू, मतलब दूसरा नंबर में ये है और तीसरा नंबर में ये है। अब ये दोनों काफ़ी बड़ा है, इसका ये सिक्स डिजिट का है, तो ये जो है ये पीछे जाएगा थर्टी फिफ्टी और ये थर्टी ट्वेंटी फाइव, मतलब ये बड़ा है, तो इसको पहले लेंगे हम लोग फोर और ये हो गया फाइव। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा थर्टी फाइव जीरो ट्वेंटी नाइन, ये हो गया, उसके बाद टू में थर्टी फाइव जीरो नाइन्टी टू, फिर हो जाएगा ये थर्टी फाइव टू नाइन्टी और फिर ये होगा थर्टी ट्वेंटी फाइव सिक्सटी नाइन, उसके बाद थर्टी फिफ्टी ट्वेंटी नाइन। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर एट हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में रंजना रैन 2059 मीटर एंड कंचन रैन 2507 मीटर, हु रैन मोर एंड हाउ मच, कि रंजना इतना मीटर दौड़ती है 2059 मीटर और कंचन जो है वो 2507 मीटर इतना दौड़ती है, तो कौन अधिक दौड़ती है और कितना अधिक दौड़ती है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि कंचन ज़्यादा दौड़ती है और कितना ज़्यादा दौड़ती है, इसके लिए हम लोग इसको माइनस करके देखते हैं। तो ये कंचन का हो गया 2507 और इसका हो गया 2059, इसको करते हैं माइनस 7, ये 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा और यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 5 तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 4
और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे 448 मीटर, मतलब कंचन अधिक दौड़ती है, तो कंचन अधिक दौड़ती है और कितना अधिक दौड़ती है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है कि राइट इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल 32 एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, कि 32 को दो प्राइम नंबर में लिखना है और जितना तरीके से लिखा जा सकता है, जितनी बार लिखा जा सकता है उतना बार लिखना है। तो 32 को लिखने के लिए 3 एक प्राइम नंबर है और 32, तो कितना बच गया इसमें, तो 2 निकल गया, 30 और 1 निकल गया तो 29 एक प्राइम नंबर है, 29 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसको 13 प्लस ये हो गया, इसमें चला गया तो 19 इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में एनसर्कल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्राइम नंबर के बारे में यहाँ भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर आप लोगों को किसी किसी स्कूल के बुक्स में जो है 5 क्लास में भी देता है और नहीं तो फिर 6 क्लास में जरूर देता है। तो आप लोगों को प्राइम नंबर 6 क्लास में मिलेगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो सिर्फ अपना टेबल से या फिर 1 के टेबल से कटता है या उसमें आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 जो है ये 1 यूनिक नंबर होता है, ये ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 7, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको ये सिर्फ अपना ही टेबल में आता है, तो इसको हम लोग इनसर्कल कर देते हैं, इसको घेर देते हैं। और 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग घेर देते हैं। और 9 जो है 3 का टेबल में आ जाता है, 3 3 9 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम लोग घेर देते हैं। उसके बाद 21, तो 21 3 का टेबल में आता है, 7 का टेबल में आता है, 29 किसी के टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो इसको घेर देते हैं। और 61, तो 61 ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम लोग घेर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद 79 81 81 99 81 और 13 का टेबल में 37 91 इसमें आता है, लेकिन 79 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम लोग घेर देते हैं और ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। 10 नंबर का ये आंसर हो जाता है, ये 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये 6 नंबर यहाँ पे है जो प्राइम नंबर है। बच्चों मैथ बनाने में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैथ से कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अदरवाइज़ फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। आप उसको उस पर खूब मेहनत करें और उसको ध्यानपूर्वक समझें कि वो कैसे बनता है। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।